बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजिला और वेलकम करती हूं तंजिला किचन में। आज हम बना रहे हैं डबल रोटी और आलू के स्नैक्स। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने और बहुत ही आसान तरीके से बने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये दो अदद उबले हुए आलू हैं मेरे पास बड़े साइज़ के, इनको अच्छी तरह मैश कर लेना है। अब तीन अदद डबल रोटी के पीस हैं, इनको भी ना पानी थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसका डो सी बना लेनी है। अब उसी डो में डाल देने हैं जो मैश किए थे आलू, वो डाल देने हैं। अब इसमें 4-5 टेबल स्पून मैदा डाल देना है कि इसकी अच्छी सी डो बन जाए। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देनी है और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देना है और थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें डाल देनी है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल देना है और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देना। अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो डाल दें और थोड़ा सा इसमें धनिया खुशक वो डाल देना पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, अगर चाट मसाला है तो वो डाल दें। और बहुत ही मज़े के बने हैं, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ये हो गया इस तरह की हो डो। अब छोटा सा बॉल बनाना है और ये जो छलनी नहीं होती जिससे हम फ्राई चीज़ें निकालते हैं, इसके ऊपर ऐसे दबा देना है और इसको साइड पे रख देना है। इस तरह सारे बना लेने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। हाँ जी, ऐसे छोटा सा बॉल बना लें, बस छोटे छोटे बॉल बनाते जाएँ और उसके ऊपर ना उसको शेप देते जाएँ। बहुत आसान है, इस तरह इसके ऊपर रखें और इसको थोड़ा सा दबा दें और ये इस तरह शेप में आ जाएगी। इसको साइड पर रख दें, इस तरह बाकी के सारे बना लेने हैं। ये हो गए हैं सारे। अब इनको ना बिल्कुल हो लो फ्लेम और इसको ना फ्राई कर लेना है, ज़्यादा गर्म ना हो ऑयल। इसमें सारे डाल देने और इनको फ्राई करते जाना है। 8-10 मिनट लगेंगे होने में। इनकी अब साइड चेंज कर लें। ये हो गए हैं, इनको अब निकाल लें। बहुत ही मज़े के बने हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बहुत ही इजी रेसिपी, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और खुश रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।